अभी तो मेरी नहीं आती है, बड़ी भाई छोटे हैं और एक बहन गाँव काम के बहुत ज्यादा काम था तो इसलिए। हेलो जी, राम राम जी भाई, आप सभी को हमारी तरफ से सुबह का प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह की बज चुके हैं 7:30 और वैसे भी हम लेट उठे हैं क्योंकि मैं बिट्टू ही है घर पे, तो इसलिए हमको कुछ काम तो है नहीं, रुको तो इसलिए। तो भाई मैंने बनाई अभी चाय बिट्टू के लिए, चाय और बिस्कुट, तो साथ में मैं भी पी लेती हूँ। बिट्टू इधर देखो, बिट्टू बिट्टू। तो भाई हम काम से फ्री हो गए, बज चुके हैं 11:30 और अब जाके हम फ्री हुए हैं। मैं बिट्टू है आज घर पे, तो बस अभी नहाई धोई करके, क्योंकि सुबह से लग रही थी मैं काम के बहुत ज्यादा काम था तो इसलिए। और बिट्टू इधर बैठी हुई है देखो, ये कह रही है मैं व्लॉग में नहीं आऊंगी, फैन की अच्छी बात है आप नहीं आएंगे तो। तो अब बिट्टू कह रही है मम्मी खाना बना, वैसे तो हमने मतलब बनाना खा लिए थे और कुछ और खा लिए थे, तो सोच रही हूँ खाना बनाऊ क्या करूँ, क्योंकि बिट्टू को लग रही है भूख। तो मैं कह रही हूँ बिट्टू अब क्या बनाएंगे खाना, 12 तो बजने वाले है, तो जा रहे हैं मैं बिट्टू जा रहे हैं भाई चट्टा करने के लिए, हम लेके आएंगे शाम को बनाएंगे खाना, तो जा रही हूँ मैं बिट्टू लेने के लिए। और वैसे भी हम दोनों ही हैं तो इसलिए थोड़ा वो कर रही हूँ मन की अब क्या बनाए, सब्जी बनानी पड़ेगी फिर रोटी, तो रोटी ऐसे शाम को बनाएंगे, तो भाई खाना तो बना नहीं रही क्योंकि छोला भटूरा लेके आऊंगी। और बिट्टू देख रही है हमारी टीवी, और मैंने आज मतलब साफ सफाई खैर रोज ही होती है पर आज थोड़ा अच्छा से किया है। और इधर तो भाई हमने ये रूम और ये किचन तो हमने किराए पे दे दिया, अभी तो कोई भी नहीं रहता है पर वैसे दे दिया है मतलब, तो क्योंकि मतलब दोनों में अभी भी रहेंगे। और धूप तेज किया है, मैंने कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं और पानी खूब आता है यहाँ पे, कोई पानी की कमी नहीं है, वहाँ पे तो पानी की कमी थी थोड़ी। ये देखो बिट्टू पापा जी के भी कपड़े धो दिए हैं और इधर मेरे सूख रहे हैं, और धूप काफ़ी अच्छी है और एक खाट हमारी यहीं रहती है क्योंकि अब इसको बाद में, अभी तो इतनी धूप नहीं है। देखो कभी कभी छाई हो रही है, मेरा फ़ोन देखो फाँ रखा है, ये बिट्टू है ना ये फ़ोन को देखो कितने गर्म हो रहा है। रात तो क्या है मैंने बिट्टू का गुड्डा को भी धो दिया क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था, तो अभी तो ये सूख रहा है, गीला है ना इसलिए देखो सूख रहा है, तो सूखने देती हूँ जब तक शाम तक सूखेगा, अभी तो गीला है बहुत। तो चलती हूँ अंदर और फिर शाम को मेरे को बिट्टू को ट्यूशन भी लेके जाना है, ट्यूशन माँ पे ही है जहाँ पहले रहती थी ना, तो माँ पे ही ट्यूशन है बिट्टू का, तो कर लेती हूँ मेरा काम और मिलते हैं आपको आगे। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया फ़ोन, बिल्कुल आग आग हो गए बिट्टू की वजह से, और आराम भी करेंगे अभी तो मेरे बहुत सारा काम है वैसे तो, काम भी करूँगी थोड़ा थोड़ा और आराम भी करेंगे साथ में। है बिट्टू क्लेचर खाएं, आपका क्लेचर खाएं, टूट जाएगा बिट्टू, टूट जाएगा बिट्टू। कौन सा कार्टून देख रहे बाबू ये? हाँ पता नहीं है, साथ में बस कार्टून ही कार्टून देखती रहती है, अब फड़ाई करनी है तो रुक जा, देख लिया कर। तो भाई चल दिए हम मेरे बिट्टू लेने के लिए क्योंकि बिट्टू को भूख लग रही है, और पास में ही है देख सकते हैं, तो मैं उसको ले रहे हैं देख सकते हैं। हमारे बिट्टू लेके खड़ी है पैसा, नहीं कह रही अंकल ले वो, अंकल कर रहे हैं पैक। और इधर बिट्टू जाएगी ट्यूशन करने के लिए, तो ये बिट्टू लेके आ गई है और चल रही है आगे आगे, और आज तो पूरी मैडम बन रही है क्लेचर क्लेचर लगा के। तो भाई ये व्लॉग है हमारा, तो हमारे तो इधर की तरफ कोई है क्वार्टर। कौन सा घर है बिट्टू अपना जानती है? जान गई बिट्टू ये घर है। हाँ तो भाई दाल भी लिया है हमने प्लेट में, और खाने लग गई है हमारी बिट्टू क्योंकि इसको भूख लग रही है, खैर ये मम्मी मेरे को बहुत पसंद है ये, तो भाई बहुत अच्छे बनाते हैं अंकल जी बनाते हैं, मतलब छोला भटूरा बना बना के आज उसने मतलब देखो ऐसी मतलब मेहनत का फल ऐसा होता है
तो और अच्छे बनाते हैं। और उसका बेटा आज बड़े बड़े मतलब पोस्ट पे हो गए। तो भाई शाम का समय बज चुके हैं 7:30 और पानी भी भरा लिया है मैंने और अब बना रही हूँ मैं खाना, क्योंकि सुबह तो नहीं बनाया था, मैंने बताया ही था आपको। तो सब्जी बना ली है और अब बना रही हूँ। देखो परांठा बन रहे हैं, तो बिट्टू कर रही है उसकी फड़ाई और आज हम मैं बिट्टू ही हैं और क्या है मतलब तो भाई सुबह का टाइम है, अभी बस झाड़ू पोछा किया हमने और आप देख सकते हैं मेरे पास कितने लोग आ गए। मैं बताती हूँ कौन है कौन नहीं है। ये है मेरा भतीजा भतीजी देखो एक भतीजा तो यहाँ बैठे हो, एक भतीजा वहाँ बैठे हो और भतीजी आ रही। तो बिट्टू कर रहे इनके साथ बहुत अच्छी मस्ती है। बिट्टू मस्ती कर रहे, ये देखो नहीं कह रही है सपना ही सपना है बेटा, तू आज लगते सपना सपना कर रही है बहुत। मैं भी नहा धो के फ्री हो गई हूँ और बिट्टू को भी नहला दिया है। बिट्टू आप दंगा कर रही है इनसे बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह रही है कि मैं इनके साथ बहुत मस्ती करूँगी। और देखो कैसे डॉन वॉन बन गई है। तो अब मैं सुखा रही हूँ भाई कपड़े, देखो कपड़े भी धो लिए हैं और फिर बनाएंगे खाना, क्योंकि टाइम हो गया 9:30 बज चुके हैं। तो अभी हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाते, हम नहा धो के ही खाते हैं। गाँव में तो फिर भी खा लेते हैं सुबह सुबह ही, यहाँ तो हमको 11 बजे 11 ही बज जाते हैं खाने में। हाँ और अभी भी तुप्पा पाजी तो कम से कम 7 तारीख को आएंगे हमारे पास। तो भाई अब फेर लिया हमने लहंगा लुगड़ी और इधर देखो मेरी भतीजी को भी फेरा दिया सपना को तभी तो भाई देखो छोटी सी है, क्योंकि अभी तो मेरी नहीं आती है क्योंकि अभी कम उम्र है 14 साल की है, तो इसलिए तो छोटी रहेगी। और अब हम एक दो रील बनाएंगे साथ में। तो भाई हमने यहाँ पे एक दो रील भी बना ली है और अब जाने वाले हैं अंदर, क्योंकि धूप भी तेज पड़ रही है। और बताना कैसी लग रही है भाई मेरी भतीजी, लहंगा लुगड़ी पहन के अच्छी लग रही है। और अच्छा मतलब जब रील रील बनाते हैं तो अच्छी बनाती है रील भी, वैसे भी ये भी बनाती है पर कम बनाते हैं कभी कभी, और क्या ना थोड़ी फड़ाई करती है तो इसलिए नहीं कम ध्यान देती है फोनों पे। तो अब हम खाना बनाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। और सब एक बार घूम के बता ये देखो तो ये है। तो अब क्या है नहीं बताऊँ कि मतलब ये क्यों आए हैं दिल्ली, क्योंकि हम 7 तारीख को वैष्णो मैया के जाएंगे, तो इसलिए तो पहले ही आ गए। और इनकी मम्मी आएगी 6 को, तो उनसे भी मिलाऊंगी मैं ज़रूर। अभी तो कल 5 परसों आएगी तो मम्मी, तो चलो आगे करते हैं काम करके खाना बनाएंगे। तो खाना कैसी लगी हमारी जोड़ी, तो चलो करते हैं काम। तो ठीक है दोस्तों सबको बाय बाय हमारी तरफ से, बताना कैसी लगी बुआ और भतीजी की जोड़ी एक गांव के हम।